साहब आप आइए, प्लीज आइए। सर बैठिए प्लीज। मिसालिया, मैं अपने ऑफिस की मैनेजमेंट के रवैये पे बहुत शर्मिंदा हूँ। कई बार आपको कॉल्स की मगर शायद आपने कॉल रिसीव करना मुनासिब नहीं समझा। सर मैं समझी कि शायद। चले जो भी है, सबसे पहले तो मैं आपके वालदैन से मिलना चाहूंगा जिन्होंने आज के दौर में ऐसी सुजीवी औलाद सोसाइटी को दी है। काबिले तहसीन है वो लोग। सर अब्बा जी और अम्मी जी तो एक रिश्तेदार के यहाँ गए हैं। चले मैं फिर कभी आ जाऊंगा, चाय या चाय, मगर यहाँ नहीं ऑफिस में। अगर आप मुनासिब समझे तो कल से आप ऑफिस रिजॉइन कर सकती हैं। मुझे आपसे इसी मुस्कुराहट की तवक्को थी। शुक्रिया दादा साहब। शुक्रिया तो आपका, आपकी नाराजगी के बहाने ये खूबसूरत घर देखने को मिला। चले प्लीज मुझे इजाजत दें। जी शकील ठेकेदार नाम है मेरा। आप यहां भी पहुंच गए। सर ये शकील भाई हैं, भेनोई। अच्छा लगा आपसे मिलकर। जी मैं जिस कंपनी में काम करती थी करती हूँ ये उस कंपनी के मालिक हैं। ओह, कंपनी के मालिक हमारे इस गरीब खाने में आए हैं, जरूर कोई खास बात हो गई है। जी भाई साहब एक गलत फहमी हो गई थी, बल्कि यूं कह लें कि ऑफिस के मैनेजमेंट की तरफ से गलती हो गई थी, वही सुधारने आया था। सुधर गई जी। अपना नवाब साहब हैं घर पे, यहाँ उनके बगैर ही मामला संभाल लिए हैं। चले मुझे इजाजत दें, मैं चलता हूँ। एक्सक्यूज मी। ओह मैं दे आता हूँ उनको चाबी। ओ सर जी वो गाड़ी की चाबी तो आप अंदर ही भूल आए जिससे गाड़ी स्टार्ट होनी थी।
मैं इस चाबी की बात कर रहा था, आप तो परेशान ही हो गए। शुक्रिया। और शुक्रिया तो आपको उस वजह का करना चाहिए जिसकी वजह से आप बंगला छोड़ के इस गली में आ गए हैं। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मतलब मेरा इशारा मतलब की तरफ ही है। एनीवेज सर जी, ये शरीफों का इलाका है और इत्तेफाक से हम भी शरीफ लोग हैं, समझे? और यहाँ पे ना गैर मर्दों का अपने मतहत लड़कियों के घरों में आना जाना नहीं होता, खास तौर पर जब उनके माँ बाप घर पे ना हो। हैं हैं जी, चलें शाबाश, चलें चलें। सायां सायां हो मेरे सायां।